लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जिसने आपको हिम्मत दी, मुझे भी हिम्मत दी और कारकुनों को बहुत ज्यादा हिम्मत दी। लेकिन यहाँ थोड़े से साइड पे जो है लोग इस तरह दिख रहे आप थोड़े इनको पीछे कैमरे वाले थोड़ा दूर रखे मुझसे दूर रहे कोई छोड़ के करने की जरूरत नहीं। एक तो आपने बहुत बड़ा मार्का मारा बस्ती हल्के वालों ने भी शर्की हल्के वालों ने आप दोनों को मुबारक है इसके अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें। आप लोग नफल अदा कर रहे हैं मैं बीमारी के बावजूद अदा कर रहा हूँ। आप एक इलेक्शन भी नहीं आ रहे आप दोनों इलेक्शन जीते हुए और भारी अक्षर से जीते हुए शर्की हल्के का जो इलेक्शन है वो 196 की उन्होंने लीड बनाई हुई है हमारे कागजों में 7200 हमारी लीड है। ये अभी मुलाजमों के वोट जो है वो 900 कुछ हैं जिसमें इंशाल्लाह हमारे 80% है 750-800 हमारा वोट बनता है और इनकी लीड वहीं खत्म हो जाती है हमारी आगे चले जाएगी। उसके बाद 4 पोलिंग स्टेशन है जिनके 2300 वोट हैं जिसमें रीपोलिंग होगी और चारों पोलिंग स्टेशन इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम भारी अक्सर से जीतेंगे। आप उसकी तैयारी करें फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका मुकाबला बहुत बड़ी कुवत से था लेकिन आपकी हिम्मत ने और खुदा की मदद ने आपको भरपूर अंदाज में जितवाया। वो ऊपर से नीचे तक सब परेशान है हैरान है कि ये कैसे नतीजा है। हालांकि उन्होंने शर्की हल्के में और बस्ती हल्के में 10-10 हज़ार वोट जो है वो फालतू डाले हुए हैं जिसका भी हमें इलम है सारा हम सब तालिब जाए सब जाया करें इसका परेशानी करते हैं। इसका उन सबको अंदाजा है अभी हम बहुत से बक्से खुलवाएंगे आपको पता चल जाएगा कि हर बक्से में कितने वोट किस तरह पड़े। हमारे वोट से तो थोड़ी सी हमारे एजेंट्स ने नालायकी की हुई है कि आपके रिजल्ट जो है कम हमारे पास पहुंचे और रिजल्ट सारे पहुंचा है जिस चीज़ के पास रिजल्ट है आप एजेंटों ने रिजल्ट जरूर हासिल किए होंगे पोलिंग स्टेशन से जिन्होंने जमा नहीं करवाए वो जमा करवाए। हमारी लीड उसी में 5-6 हज़ार ज़्यादा हो जाएगी। आप हम उसको देख रहे हैं रात को जो हमने देखा है उसमें 8-10 ऐसे स्टेशन हैं जिनको एक्सेप्ट किया गया कि वो बिल्कुल सामने सामने फ्रॉड हुआ है और वो बात क्लियर करेंगे। आप घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं आप अपना एहतजाज अपना ये शो जारी रखेंगे अपना जज्बा अपना ये जोश जारी रखेंगे जब तक वो हमारी जीत डिक्लेयर नहीं करते और अपनी धांधली जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। अब हुकूमत पाकिस्तान की मुदाखलत बाकी लोगों की मुदाखलत को बंद नहीं होती हम इस तरह एहतजाज जारी रखेंगे और जब हम दोबारा गिनती करवाएंगे आप देखते जाएंगे कि कितना हम आगे जाते हैं या आपको समझ आती जाएगी। क्योंकि आपको पता है मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था बलाउल साहब के जलसे के अगले दिन तो मैं जो 2 दिन नहीं उठ सका उसका उन्होंने थोड़ा सा फ़ायदा उठाया कुछ ना तजर्बाकारी हो गई हमारे लोगों की वरना आपके 7-8 हज़ार वोट शर्की से ज़्यादा थे। बस्ती में भी देखें पूरी कूद त्रावी बिक गया आप देखें ना त्रावी ने क्या किया उसने नंबर वन पहले उसने बरादरी बेचारी बेची थी पहली दफ़ा और जमात इस दफ़ा उसने इस्लाम भी बेचा बरादरी भी बेची अपनी इज्जत भी बेची और इतने गैरत वाले नारमा बरादरी को उसने किस कीमत पे बेचा ये आप हैरान हो जाएंगे और इस शख्स ने जहाद किस तरह बेचा होगा ये भी आप हैरान हो। कम अज कम 20 साल हो गए वो एक जमात का जहाद का चेयरमैन था इससे अंदाज़ा लग रहा है कि अगर वो 1 करोड़ में तनवीर इलियास के पास बिक सकता है तो वो मोदी वारा के पास कितने में बिका होगा ये आपको समझ आ जानी चाहिए। तो मैं उसको दुआई दे सकता हूँ उनको कि शक्ल मोमना कम काफरा
और ऐसे लोगों का क्या बनेगा। अगर त्राबी ना बिकता तो ज़िया के वोट जो हैं वो 6 से 7 हज़ार ज़्यादा होते। त्राबी जो बिकने की वजह से उसने पैसे का डील किया सब, उससे तो बेहतर है मुश्ताक मनास, उसको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उसने अपनी सियासत भी बचाई, उसने अपना नाम भी बचाया, इज्जत भी बचाई। और आपके उम्मीदवार ने ज़िया ने पार्टी भी बचाई, अपनी इज्जत भी बचाई, आपकी बचाई, मेरी बचाई और अपनी पार्टी की इज्जत बनाई, इसलिए हमें कोई खरीद नहीं सका, ये आपको अंदाजा। इस हल्के में इंशाल्लाह जो रीपोलिंग के बाद आप यहाँ नारे लगाएंगे आप जीतेंगे। मैं आपसे वादा कर चुका हूँ कि हम इंशाल्लाह हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी 12 सीटें ले रही है और ज्यादा लेगी, इसी तरह कोई ना कोई हमसे कोलिशन बनाएगा, हमसे नून बनाए, हमसे पीटीआई बनाए, कोई ना कोई हमसे मिलके बनाएगा और हुकूमत हम बनाएंगे, ये हम आपको बताएं। मुझे असेंबली में जाने दें, इंशाल्लाह मैं जाऊंगा, आपकी मदद से जाऊंगा और मैं आपको हुकूमत बना के दिखाऊंगा। हुकूमत बनेगी और इन लोगों का नाम निशान आपको 1.5 साल बाद नजर नहीं आएगा, इनका इन्ना लिल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी जो क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बात कर सकता, ये आपको पता होना चाहिए, मैं 2 दिन रेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि नया मार्का, उसके लिए आपने तैयार रहना है। जो उन 4 पोलिंग स्टेशनों पे होगा, उन 4 पोलिंग स्टेशनों पे हम भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे इंशाल्लाह, और मुलाजमों के वोट लगाकर मुझे पूरा यकीन है कि हम 1.5 से 2 हज़ार की लीड फिर भी ले लेंगे बावजूद इसके। तो आप बेशक रोज आया करेंगे, टेम्पो आप अपना जारी रखेंगे और इधर खाना इसी तरह चलता रहेगा, हमारा लंगर चलता रहेगा। अब आज आप देखें यहाँ कितने हैं, उसके पास देखें 100 आदमी नहीं था, इनके पास वोट होते तो इनका जलसा होता, इनके वज़ीर आज़म के जलसे में 3,500 आदमी था, हमारे जलसे में 40,000 आदमी था। और मैं हैरान हूँ कि हमारे वोट 60,000 से 36,000 पे कैसे आए और उनके वोट 36 पे नहीं, हमारे आए 60,000 से 16 और 38 39,000 और उनके वोट दोनों के 20,000 से 40 पे कैसे गए, इसकी हम तहकीक कर रहे हैं और हम आधी तहकीक कर चुके हैं और वो आपको बताते जाएंगे। हमने इनको वार्निंग दी हुई है कि जहाँ जहाँ इस किस्म के वोट हुए, जब आप बक्से खुलवाएंगे पता चल जाएगा, काउंटर फाइलों से चल जाएगा। लेकिन फिर भी आपसे कहता हूँ कि जो नतायज आपके पास हैं, जो आपने हमें नहीं पहुँचाए, वो हमें पहुँचाए, एजेंटों के पास जो नतायज हैं वो आपने हमें नहीं दिए, वो दें, ताकि हम ये देखें कि ये किस तरह हुआ। जब हमारी लीड 7,200 थी तो ये 9 बजे के बाद उसकी लीड एक एक करके किस तरह करते करते 196 पे पहुँची, इसको हम देखना चाहते हैं। ये आप सारे हमें देंगे अपने अपने रिजल्ट्स और उनसे हम, क्योंकि आपके रिजल्ट्स के मुताबिक ऐलान हो रहा था तो पैसा इस्तेमाल हुआ बेताशा, लेकिन फिर भी हाँ 2 दिन के अंदर अंदर 4 पोलिंग स्टेशनों की पोलिंग होगी, आप उसके लिए तैयार रहे। आज क्या 26 तारीख 29 से पहले यानी 28 को ये हो सकती है, इसलिए तैयारी करनी है आपने भरपूर वो इलेक्शन जीतने के लिए। 4 पोलिंग स्टेशन वो है उन, कल और परसों हमारे पास 2 दिन है। आप जिस चीज़ का ताल्लुक है उन पोलिंग स्टेशनों के साथ, जिनकी दोस्ती या रिश्ता नाता आप कॉन्टेक्ट करें, एकदम तूफान की तरह घुस जाए उन हलकों में। और उधर के जो लोग हैं वो भी मुझसे शाम को मीटिंग कर लें, 4-4, 6-6 जो पोलिंग स्टेशनों के, और आप सारे लोग हैं वो तैयारी करें कि हमने वहाँ इलेक्शन जीतना है और हर कीमत पे इंशाल्लाह जीतेंगे इंशाल्लाह। और बस्ती हल्के वाले को मैं वार्निंग देता हूँ कि इलेक्शन से पहले ये बस्ती वाले सुन लें सारे, और अपने अपने हाड़ी गल मंग बजरी से लेकर आगे तक, अगर इलेक्शन से पहले उस आदमी ने इधर आने की कोशिश की उसके लिए बहुत बुरा होगा, ये मेरी तरफ से उसको इतला दे रहा हूं। वो धांधली से जीता, जैसे जीता वो अपनी जीत को हजम करके उधर रहे,
अगर पहले मैं शराफत से था वरना बाग में मैं एंट्री बिल्कुल बंद कर दूंगा, ये उसको अभी रखते नहीं। जाली वोट बहुत मिले हमें, जाली वोट में हर पोलिंग स्टेशन पे जब हम ये खुलवाएंगे बक्से, मुझे पूरा यकीन है कि जहाँ जहाँ से वो जीते हैं वहाँ 100-150 जाली वोट मिलेगा। क्या हाँ हाँ एजाज किसाना ने, हमारे पास बहुत सबूत है, अभी वैक्सीन खुलने से मैं आपको बताऊंगा। एजाज किसाना ने जाली वोट भी देखा, ये वोट बाहर से भी आए हुए थे, ये इंशाल्लाह निकलेंगे और आपकी लीड मुझे पूरा यकीन है 7-8 हज़ार से ज्यादा जाएगी और जिस तरफ की भी जाली वोटिंग निकलेगी। तो लिहाजा जो मेरे जो कारकुन है जो जिम्मेदारान है वो उनको मुतला कर दें, वार्निंग दे दें उनको कि जब तक हमारा बाई इलेक्शन नहीं हुआ, अगर इधर बाग की तरफ दाखिल होने की कोशिश की फिर दोबारा बाग कभी नहीं आओगे, फिर अर्जा पार ही लाओगे। ये तो आप इस बात की अब तैयारी करें और अपने अपने पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट और हकायक और अपनी ये तैयारी कि आपका इलेक्शन हो रहा है 28 को, आज कितनी है 26-27, एक ही दिन रहता आपको, यानी परसों आपका इलेक्शन हो जाएगा, इसलिए उसकी तैयारी करनी है। अब पूरी कुव्वत के साथ हम सारे लोग होंगे, सब चलेंगे, 4 पोलिंग स्टेशन है, इंशाल्लाह जीतेंगे, अल्लाह के हुक्म से जीतेंगे। फिर जब दोबारा गिनती होगी मुझे पूरा यकीन है कि शायद 8-10 हज़ार वोट जाली निकल जाए, क्योंकि इसका मैं जैसे कटाना के पास सबूत है मेरे पास भी सबूत है कि बहुत जाली वोट डाले गए हैं, 100, 50, 30, 50 इस तरह करके। तो लिहाजा इनकी बहुत बुरा हाल होगा, आप अब आराम से जाएंगे, ये तैयारी करें, अपने उस इलेक्शन की भी तैयारी करें और इधर भी आते रहें। हम कल से आपको शेड्यूल बना के देंगे और हम वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे उन्हीं 4 पोलिंग स्टेशनों का और उसके बाद गिनती होगी, इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे। हम इसके भी करवाएंगे गिनती, ये नहीं कि हम इधर की नहीं करवाएंगे, हम ये भी करवाएंगे। मुलाजमीन की यहाँ की लीड है, जिधर मुलाजमीन की लीड होती है लोगों का जहन उधर होता है और लोग फैसला उधर का करते हैं। मैं नारमा बरादरी को फिर कहता हूँ कि आप ऐसी मनूस चीज़ों को अपनी सफ़ों से निकालें, आपकी नालायक लीडरशिप ने पहले आपको बेचा और आपकी दूसरी लीडरशिप ने नालायक ने आपकी बरादरी को रुसवा किया, इस्लाम बेचा, जमात बेची और 20 साल जहाद बेचा और इस पे हम इंशाल्लाह कड़ी नज़र रखेंगे। तो क्योंकि आप देख रहे हैं मुझे पसीना बहुत आता है तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, आप सख्ती के साथ अब उधर के लोग जितने जिस जिस का रिश्ता देखें, मैदा खरमल दला 1, बीसूटी पोलिंग स्टेशन 2 और असला गली 3, ये 3 पोलिंग स्टेशन है, 2300 वोट है, पोलिंग स्टेशन 4 है लेकिन बीसूटी के 2300 वोट ये है, 900 वोट मुलाजमों के हैं। इंशाल्लाह हम भारी एक्सरसाइज से जीतेंगे, आप अल्लाह पे यकीन करके अपने आप पे एतमाद करके आप निकलेंगे, ये इलेक्शन हमने जीतना है इंशाल्लाह, वरना इधर हम किसी को नहीं चलने देते, इधर लोग आवाम अल्लाह की मदद है, आपकी मदद है, कोई आदमी घबराएगा नहीं, कोई कुछ नहीं, इनका बाप भी नहीं जीत सकता, इनका बाप हुकूमत नहीं बना सकता, हुकूमत हम बनाएंगे और ये बना के बताएंगे। अब सिर्फ आपने हिम्मत करनी है, अपना रिश्ता नाता और पूरी कुव्वत के साथ तैयार रहना, हम इंशाल्लाह वहाँ इलेक्शन करवाएंगे, कल हम शेड्यूल आपको दे देंगे, फिर देखेंगे कि हम किस तरह जाएंगे, हम सारे लोग चलेंगे वहाँ होंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, खाना खा के आराम आराम से जाएं, ये बेशक आप जो सारे हैं मसूद इधर भी आ जाते हैं, आपके जो लीडरशिप हमारी है सारी, ये सारे लोग आप यहाँ से जुलूस निकाल के वो मुर्शिद चौक तक जाएं, दांदली ना मंजूर के नारे लगाएं, हमारे चोरी किए हुए वोट वापस करो के नारे लगाएं, पाकिस्तान के वकार से मत खेलो ये नारे लगाएं और इस्लाम जिंदाबाद नारे लगाएं। पाक फौज ने आपके साथ बहुत अच्छा किरदार अदा किया, ये मैं आपको बता बाड़ियार वालों को पता होगा, इस दफा पाक फौज ने इस गंदगी में अपने आप को साफ रखा है, बिल्कुल बिल्कुल साफ रखा है, मैं सारा देख रहा था,
तो आपने ये भी पाक फौज के हक में नारे लगा उसके, क्योंकि पाक फौज ने इसमें कोई मुदाखलत नहीं की, उन्होंने फ्री फेयर इलेक्शन करवाए और वो बार बार रहे। ये सब कुछ जो हुआ, ये इंतजामिया जो उनकी पाकिस्तान वाले थे, इसी तरह जो उनके वज़रा थे, इसी तरह जो इधर उनसे कनेक्टेड थे, ये सारी धांधली वहाँ से चली। इसमें एजुकेशन के दो तीन अफसर मुलव्वस हैं, बाकी लोग उनके ऊपर हमारी नज़र है। माल के अंदर भी एक दो बंदे थे, उनके ऊपर भी गहरी नज़र है। वो इंशाल्लाह अब उधर नहीं होंगे और हम अमला इंशाल्लाह बहुत दयानतदार सही और पावकार अमला लेके इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह। आप बहुत ज़ोरदार किस्म का जुलूस निकाल के अपना एहतजाज करके चले जाएंगे। हम रात को डिसाइड करेंगे कि कैसे हमारा शेड्यूल होगा। कल आप सारे आएंगे, आपको वो शेड्यूल देंगे, उस शेड्यूल के मुताबिक आप अपना अमल जारी रखेंगे। तो उनको फिर मैं ये यहाँ से इंतजामिया को और साफियों के जरिए तनवीर इलियास को ये पैगाम देता हूँ कि अपनी जीत को बर्दाश्त करो, जल्दबाजी में भाग ना आओ, ये ना हो कि ना रहे बांस तो ना बजे बांसुरी। जरूरत नहीं है, तुम्हें लोगों ने रिजेक्ट किया है और जिन लोगों ने तुम्हें वोट दिए हैं वो सामने कभी नहीं आएंगे, ये मैं बता दूं, ये मुझे पता है। तो इसलिए तुम अभी सब्र से रहो, उधर रहो, हमें बच्चों की तरह हो। जीत गए हो तो हम तुम्हें सर पे हाथ रखेंगे, लेकिन अगर बेसब्री की तो जो बेसब्री का फिर जवाब होता है वो बड़ा सख्त होता है। इसलिए फिलहाल अपनी उछल कूद बंद करो, थके हुए हो, पोल्ट्री फार्म की तरह हो, फिलहाल उसी तरह रहो। ये बात की बात है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लिहाजा फिलहाल मैं ये कहता हूँ कि कारकुन मुश्तैल है और कारकुनों को मुश्तैल करने की कोशिश ना करना, ज़िमनी इलेक्शन तक पाक का रुख ना करना, वरना अर्जे से लेकर इस पुल तक कोई रास्ता तुम्हें नहीं होगा। ऊपर से आओगे फिर भी जिधर से आओगे हमारे ही पंजे में रहोगे, कहीं नहीं जा सकते, इधर से कहीं नहीं जा सकते। तो इसलिए ये मेरी वार्निंग है इंतज़ामिया के थ्रू, साफियों के थ्रू, क्योंकि वो उसको ये इन्फॉर्म कर दें, वो इस इलाके का वाकिफ नहीं है, उसको माहौल का पता नहीं है, उसको लोगों के जज्बात का पता नहीं है। जिन पर वो डिपेंड करता है करता था उसका उनको पता चल गया होगा कि उनके अपने पोलिंग स्टेशनों पे उनका क्या इशू हुआ, ये उसको समझ आ जानी चाहिए। और ये किराए की फौजें नहीं लड़ती, फौज वो लड़ती है जो अपनी होती है, दिल जान से होती है, जालू की तरह आपकी तरह की फौज होती है जो लड़ती है। किराएदार नहीं लड़ते, किराएदार दिहाड़ी लगा के गए अब नहीं मिलते। इसलिए आप मुतमइन रहें इंशाल्लाह, मेरा क्योंकि मैं एक आध दिन और आराम कर लूँगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, ताकि आपके साथ में इलेक्शन में बाकायदा पूरी ताकत के साथ वहाँ काम कर सकूँ। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जीते हुए हैं, आप हुकूमत बनाएंगे, फिर शर्की और बस्ती दोनों को आपने मुझे फिर एक बार मकरूज कर दिया। ये कल कोई कहता था कि कमर साहब के 5 साल हैं, आपके कर्ज ने मेरी जिंदगी फिर 20 साल कर दी है, मैं 20 साल का इंशाल्लाह नहीं जाऊंगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह और इंशाल्लाह मैं कर्ज आप चढ़ाते जाएंगे, मैं ख़त्म करता जाऊंगा। और 23 के बाद इस मुल्क में आपको किसी का नाम और निशान नहीं नज़र आएगा, ये याद रखें आप। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने खाना खा लिया ठीक, जिन्होंने नहीं खाया वो खाएँ, और जो जियाले हैं जो अच्छे लड़के हैं वो इस जुलूस की क्यादत करें, और यहाँ से हाजरी चौक से शुरू करें और नूर होटल से वापस आके इसको डिस्पर्स कर दें, अपने घरों को जाएं, जो शाम को आना चाहेंगे आ जाएं। कल हम सारे प्रोग्राम से आपको मुतला करेंगे। मैं साफियों का, आप सबका, भाइयों का, मेरी तरफ से मेरी बेटियों का, बहनों का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने इस बड़े फिरौनों के साथ, शद्दादों के साथ और कारूनों के साथ मुकाबला किया। आप मुबारकबाद के मुस्ताहिक हैं, इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत जारी रखेंगे और हम ही बाग में खड़े रहेंगे, कोई नहीं नजर आएगा। अल्लाह आपको खुश रखे।
क्या कौन और छतर कैंप पे सुना पीटीआई वालों ने फायरिंग की तो हमारे लोगों ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई, इनको जूते मारो अगर जाओ मिलते हैं जूते मारो, इनको पुलिस के हवाले करो, इनके नाम बताओ, इनके सारे रास्ते हम बंद कर देंगे। तो माजर कैंप वालों का, सारे माजर कैंप वालों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। सब माजर कैंप हमने जीते और पुलिस स्टेशन बहुत ज़्यादा हमने जीते हुए, आप देख सकते हैं उन्होंने जो धांधली की 4-6 पोलिंग स्टेशन पे करके तो अपनी लीड को बढ़ाया। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह आपकी खैरियत रखे। वाखर दवाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वोट पटाका मेरे, वोट पटाका मेरे, वोट पटाका मेरे, वोट पटाका। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा